क्या रश है इस साइड, ये सारी गाड़ियां रोक। तो इस रोड पे हम चल रहे हैं, क्या बेहतरीन सड़क। तो चलते हैं नए वाले रास्ते से, तो देखते हैं क्या हम टाइम से पहले पहुंच पाएंगे या फिर ये रात कटरा में ही काटनी पड़ेगी। क्या पूछ रहे आप, बता रहे हो मैं जान लेता। जो लाइन तुमने अभी देखी बेसिकली वो लाइन थी इस कार्ड के लिए, इन केस तुमने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो यात्रा के लिए, तो तुम्हें उस लाइन में लगना है। उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा जो हमें नीचे ही मिल गया था। इसके बहुत तरीके हैं, या तो तुम बस स्टैंड से ले लो, या तो तुम रेलवे स्टेशन से ले लो, या तो तुम एयरपोर्ट से ले लो। तो हमने बस स्टैंड से लिया, बहुत लंबी लाइन थी और वहीं पर टाइम वेस्ट हुआ हमारा सारा, नहीं तो पहुँच तो हम 9:30 गए थे कटरा। तो अब ये मिल चुका है, यहाँ नहीं लगना पड़ा लाइन में, अब बढ़ते हैं आगे, तो करते हैं यात्रा स्टार्ट। जय माता दी। तो भाई काफ़ी चल चुके हैं हम और अभी हम कोई 1000 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं। तो नए वाले रास्ते में यार सही लग रहा है सब कुछ, क्योंकि यहाँ कोई घोड़े खच्चर नहीं है, साफ़ सफाई है बिल्कुल। तो प्रॉब्लम एक है कि दुकानें नहीं है यहाँ पे, दुकान नहीं मिलेगी तुम्हें देखते हो, कोई सामान पर लेके आना पड़ेगा सारा साथ में, पर ठीक है रास्ता साफ है तो उतना कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है जो कि दूसरे रास्ते पे तुम्हें देखने को मिलती होगी, हालांकि वो देखने में शॉर्टकट लगता है बट असली में शॉर्टकट नहीं है, टांगे तोड़ देता है वो, थोड़ी बहुत थका देता है। तो इट्स ओके, तो ये रास्ता साफ है, बढ़िया है, पूरे शेड लगे हुए हैं तो बेहतरीन चल रहा है काम। तो भाई कहीं तो पहुँचे हैं और जो आप देख रहे हो वहाँ पे पोल है उस पर लिखा हुआ है 153 और हम खा रहे हैं थोड़ा कार्ब्स क्योंकि अभी बहुत चलना है, सूरज भी लगा हुआ है और यहाँ पे मैकडी भी है, दुकानें तो कम ही है पर मैकडी है, तो लोग यहाँ से आइसक्रीम ले रहे हैं और अपने शरीर में ग्लूकोज बढ़ा के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम भी लेंगे थोड़ी देर में। चलते जा रहे हैं और इनकेस भगवान ना करे कुछ हो तो मेडिकल यूनिट भी है, ताराकोट, ताराकोट वाला मार्ग है। टाइम हो रहा है कोई 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट और हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हथकुआरी पहुँचना है पहले, तो टोटल 7 चल चुके हैं, टोटल 7 किलोमीटर हम चल चुके हैं, वो हथकुआरी भी ज़्यादा दूर नहीं रहा होगा अब, तो वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ से भवन थोड़ा मतलब इतना इंक्लाइन नहीं है, तो मिलते हैं तुम लोगों से हथकुआरी में। हथकुआरी रह गया 2 किलोमीटर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी, और थोड़ी थोड़ी ढलान सी भी आ रही है, माइलस्टोन कम दिए हैं क्या, करते हैं कंप्लेंट शाइन बोर्ड को, क्या हो गया बताओ। तो सूरज का कहना है कि माइलस्टोन बहुत कम है इस नए रोड पे, पिछले वाले पे तो बहुत सारे हैं, बट पिछला वाला जो है कोई 11 किलोमीटर का रास्ता है, ये वाला तुम्हें पड़ता है कोई 14 किलोमीटर का भवन तक। तो चलते हैं भाई, आधे रास्ते में ताराकोट मार्ग का एक चेक पोस्ट आता है, क्यों भाई नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं होगा भाई, तो वैसे तो ये जेंट्स का ही दिख रहा है, खाली लेडीज का पता नहीं है कि नहीं, तो कराते हैं फिस्किंग, सिर्फ लड़कों की फिस्किंग थी, लड़कियों की नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है, लड़के होते हैं थोड़े, लड़कियां थोड़ी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कुछ कर सकती, देख रहे हो पैट्रियार्की, लड़के पानी को डालते। तो चलो चलते हैं आगे, फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, वो आ रहा है वहाँ से पुराना वाला रास्ता और ये हम नए रास्ते से आए थे और यहाँ से ऊपर जाना है और भवन, भवन ये लंबा है, ये छोटा कौन सा छोटा, ये देखो ना लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ लंगर तक जा रहा है, ये बहुत है, ये छोटा है। तो भाई वहाँ से अभी मुड़ के आए, वो दिखाया मैं तुम्हें पुराना रास्ता और यहाँ से हम आए नीचे से, ये रहा अधकुआरी का रास्ता और यहाँ है भवन, वहाँ है अधकुआरी, तो चलते हैं भवन की ओर। भाई अधकुआरी पार करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद चलेंगे आगे, और सूरज को भूख लग गई, उसने अपना खाना छोड़ दिया था क्योंकि बंदर आ गया था, तो अभी वो खा रहा है और इसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है उतना भी कोई थकी नहीं अभी तक, हथकुआरी बहुत जल्दी पार हो गया, अब चलते हैं फिर आगे। भाई लोग हिमकोटी पहुंच चुके हैं, एक और चेक पोस्ट यहाँ पे लेडीज़ का भी है, तो चेक पोस्ट करते हैं पार फिर बढ़ते हैं आगे भवन की ओर, अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया,
यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बैटरी वाली ये गाड़ियाँ भी चलती है। तो यहाँ से हमने ले लिया है बहुत सारी चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, और ये पी रहा है लस्सी, रोज वाली लस्सी पी रहा है, पता नहीं कैसे पी रहा है, मैं तो नहीं पी पाता हूँ भाई। तो भूख की वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है हमें, नहीं तो इतना मीठा तो मैं कभी ना खाऊं, पर ये डार्क चॉकलेट है तो खाएंगे, मजा आएगा। तो भवन दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो इतना सा रास्ता पेंडिंग है अभी। तो भाई चल रहे थे और हमें दिखा कि अब बंदर नहीं लंगूर देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम भवन इस टाइम, और क्या तो फीलिंग है भाई। मुझे याद है बच्चों ने आया करता था तब भी ये चीज़ें ऐसी होती थी, यहाँ पे ये भोजनालय था। 5 बजे हम पहुँच गए हैं, हमने 1 बजे शुरू किया था, तो कोई कोई 4 घंटे में लग गए ऊपर आने में, वो भी पूरा रुक रुक के। अब ये बात ही सच है कि हमने बहुत ज़्यादा स्पीड रखी थी। चलते हैं फिर अब दर्शन के लिए। तो भाई सामान वहाँ पे छोड़ दिया है हमने लॉकर में, रिसेप्शन नंबर रूम नंबर 4 से हमने चाबी ली थी, और यहाँ पे बैग छोड़ दिए हैं, अलग अलग जगहें हैं सामान छोड़ने की। अभी थोड़ी देर में फ़ोन भी रख दूंगा अंदर, घड़ी भी रख दूंगा, कुछ नहीं लेके जा सकते तो शूट नहीं होगा। तो अभी चलते हैं दर्शन करने, फिर मिलते हैं तुमसे वापस आके। दर्शन हमने कर लिए हैं इस टाइम, और दर्शन भी हमारे थोड़े जल्दी हो गए। अभी चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कि बैरागाटी जाएंगे, क्योंकि बैरागाटी वैसे जाना ही होता है इसके बाद। तो आगे तो सब सही रहा, तो बैरागाटी के लिए निकल जाएंगे। तुम्हें पता है कि पार्किंग की हमारे पास एक दुविधा है, हमें टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा, तो जैसा भी होगा पता तुम्हें चल जाएगा। अभी चलते हैं कुछ खाने। कोई तो रेस्टोरेंट है, इसका नाम है नाथू स्वीट्स। नाथू स्वीट्स में आ चुके हैं, तो कुछ खाते हैं यार, राजमा चावल खाने का मन है इस टाइम, तो काफ़ी रश है इधर भी, तो खाते हैं फिर, और फिर निकलते हैं आगे बैरागाटी के लिए। तो भाई राजमा चावल आ चुके हैं, साथ में आया है दही। सूरज क्या तू थका है? कुछ नहीं इस बार, नहीं मेरे साथ आया है ना। तो भाई खाते पीते हैं फिर निकलते हैं। खा के निकल चुके हैं, यहाँ पे ये भी है, इसको क्या बोलते हैं यार, गोंडोला पता नहीं जो भी बोलते हैं। तो ये जाती है यहाँ से भवन से बैरागाटी, हम जाएंगे अब बैरागाटी, लेकिन हम जाएंगे पैदल। तो ये भवन के सीन है, यहाँ से भवन था, हम ऊपर आ रहे हैं, अब बैरागाटी चल रहे हैं। क्या गोल्डन आवर हो रहा है भाई, इस बार हमने सीढ़ियाँ ली है, बता दूँ 351 सीढ़ियाँ हैं, 351, कोई ज़्यादा स्टीप नहीं है, बट सीढ़ियाँ तो सीढ़ियाँ होती है, थका देती है वो। देखो यार क्या टाइम हो रहा है इस टाइम, तब से 3 सेट आ गए हैं सीढ़ियों के। पहला था 351 का जो तुम्हें दिखाया था मैंने, फिर उसके बाद दूसरा आया 150 सीढ़ियों का, उसके बाद आई 75, और अब ये 262 सीढ़ियाँ। तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, बट मेरे को लगता है ये लास्ट सेट है, और गोल्डन आवर हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बड़ा बेहतरीन। तो फाइनली हम बैरागाटी पहुँच तो गए थे सीढ़ियाँ लेके, बट पता चला कि बैरागाटी के दरवाजे 6 से 8 तक बंद होते हैं सफाई की वजह से। तो हमने इस सुंदर से सनसेट को देखा, और इसके बाद हम निकल पड़े अपनी वापसी पे। अंधेरा चुका है, हो लाइटें ऑन हो गई है, और हम भी उतरने लग गए हैं बैरागाटी से, हम निकल चुके हैं, तो अब हम उतरने लगे हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं कितनी देर लगेगी, हमारा टारगेट जो है वो मीट होता है या नहीं। हमें बेसिकली पार्किंग पहुंचना है 11 बजे से पहले, वरना सुबह 6 बजे तक हम फंस जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी 7:15 हो रहे हैं। तो भाई ये है कटरा शहर, कितना सुंदर लग रहा है रात में, और अभी भी थोड़ा थोड़ा सूरज की किरणें आ रही हैं, अभी होराइज़न दिख रहा है हमें, सूरज जा रहा है दूसरी तरफ, और हमारे यहाँ अंधेरा हो गया। तो भाई टाइम हो रहा है 7:40, और चल रही है आरती, कैसे दिखेगी ये, हाँ तो अभी आरती चल रही है, और ये LED लगी है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, और हम पहुँच चुके हैं सांझी छत यहीं यहाँ से कहीं से है, पता नहीं कहाँ गया, अभी लिखा था हेलीपैड जो है वो सांझी छत में है यहाँ का, और उस साइड से जहाँ से लोग आ रहे हैं वहीं से हम आए हैं अभी। ये पूरा ट्रेल है जो हमने कवर किया था जाते टाइम, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सांझी छत। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे बिना रुके, क्योंकि ढलान है, आगे बढ़ रहे हैं। और उससे पहले मैं चाहता हूँ दिखा दूँ, यहाँ पे एक जगह है
यहाँ तुम्हें हलवा प्रसाद मिलता है। तो ये लाइन लगी है छोटी सी, तो अभी लाइन लगी है और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है टाइम की, तो हम तो नहीं ले पाएंगे, तो हम चलते हैं आगे। ये वाली जो जगह है ये है अधकुआरी। अधकुआरी अभी थोड़ा तो दूर है, पर अधकुआरी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब हाफ हो जाता है, तो अब इसके बाद फिर हाफ और रहेगा। तो चल रहे हैं अभी हम फुल स्पीड में, 8:30 हो गया है टाइम, 11 बजे तक पहुंचना है किसी भी हालत में, तो करते हैं ट्राई। जैसा ऊपर तुम्हें दिखाया था मैंने, अधकुआरी पहुंच चुके हैं और पता नहीं यार कब से चल रहे हैं, अभी अधकुआरी पहुंचे, तो अभी चलते हैं और आगे। यहाँ मैकडी वैकडी भी है, देखते हैं, अभी खाएंगे तो नहीं पर चलते हैं। तो गाइस कब से चल रहे हैं बट कहीं पहुँच ही नहीं रहे यार, पता नहीं अभी भी शायद 2 किलोमीटर के करीब रह गया है कटरा, और जो टाइम है वो हो गया है 9:30, डेडलाइन बहुत करीब आ रही है और हम अभी भी कटरा से बहुत दूर। तो देखते हैं क्या हम निकल पाएंगे आज या फिर कल सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई वैष्णो देवी में लाइट चली गई है, सनसनीखेज खबर है आज की ये। तो भाई लाइट चली गई, अभी चल रहे हैं नीचे, नीचे ही चलते जा रहे हैं। ये देखिए घोड़े ही घोड़े हैं भाई, चलना मुश्किल हो गया है, इंसानों से ज्यादा घोड़े हैं। ओ लाइट आ गई वापस, वाह। ये है चरण पादुका टेंपल, ये चरण पादुका नाम समझ गए होंगे आप क्यों नाम है इसका ऐसा। तो वैसे तो ये आते टाइम सबसे पहले आता है, बट क्योंकि हमने रास्ता नया वाला पकड़ा था तो इसीलिए हमें ये मिला नहीं। तो जब भी यहाँ से आओ तो पहले बाणगंगा आती है और उसके बाद चरण पादुका। तो ये जगहें हैं जो तुम्हें कवर करनी होगी आते टाइम। अभी नहीं पहुँचे बट मैंने सोचा कि शेयर करूँ। क्या होता ना यार हर ट्रिप में ना, जब वो ट्रिप ख़त्म होने वाली होती है तो तुम हर मोड़ के बाद ये सोचते हो कि बस अब एंड आ गया, मतलब अंदर ही अंदर हमें पता है कि वो अभी नहीं आया, अभी बहुत दूर है, पर अपने आप को पागल बनाने के लिए तुम सोचते हो, मतलब हम तो सोचते ही, पर मेरे को लग रहा है सारे ही सोचते हैं बस एक बार। तो भाई हो गए हैं अपनी RFID सबमिट, तो अब निकलते हैं फिर यहाँ से, अभी भी गाड़ी तो दूर है पर पहुँच ही जाएंगे अब तो। फाइनली हुई यात्रा ख़त्म, ख़त्म तो वैसे गजा की होती है पर ट्रैक ख़त्म हो चुका है हमारा जो ट्रैक किया हमने, तो अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ पार्किंग है वहाँ गाड़ी लगाई है, तो चलते हैं गाड़ी निकालते हैं बढ़ते हैं आगे। पार्किंग में आ चुके हैं और ये रही अपनी गाड़ी। तो सूरज कैसा लगा तेरे को बता भाई? आपको एक अजूबा दिखाता हूँ गाइस, ये आपको इंसान दिख रहा होगा पर अभी देखना, इसकी टांगे ही नहीं बची हैं, टांगे खत्म है। एंड सेम इज द केस विद मी, कुछ नहीं कर सकते भाई। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो यार जो तुमने अभी तक शॉर्ट्स देखे वो थे कल रात के, और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, बिल्कुल थक चुका था और कुछ ऐसा सीन हो चुका है टांगों के साथ, तो मैं धूप में बैठा हूँ, थोड़ा टांगे गर्म की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, स्पिरिचुअल टाइप्स, तो बढ़िया था। हमने अपने आपको बहुत ज़्यादा पुश कर दिया, लेकिन एक ही दिन में अप डाउन कर दिया। मैं सजेस्ट करूँगा तुम ना करो ऐसा, हमने मतलब दिमाग में लेके चल रहे थे कि वापस आना ही आना है और गाड़ी का चक्कर पड़ गया था तो इसलिए हमने आना था तो हम आ गए। तो तुम ना करो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट, आराम से आओ, एक दिन जाओ ऊपर रुको फिर अगले दिन आ जाओ। तो यही है मेजरली जो भी था इस सब के बारे में, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आई होगी, तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।